राग हमीर। राग हमीर की उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुई है। इस राग में दोनों मध्यम अर्थात शुद्ध म और तीव्र म प्रयोग किए जाते हैं। इनमें तीव्र म का अल्प प्रयोग केवल आरोह में पंचम यानी प के साथ किया जाता है, परंतु शुद्ध म का प्रयोग आरोह और अवरोह दोनों में होता है। इस राग के आरोह में निषाद अर्थात नी के और अवरोह में गंधार यानी ग के प्रयोग सरल और वक्र दोनों प्रकारों से होते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इसका वादी स्वर धैवत यानी ध है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। राग हमीर के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। सा रे सा गा मा पा गा मा धा नी धा सा। और अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। सा रे सा गा मा धा। अब प्रस्तुत है राग हमीर की स्वर मालिका जो एक ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। प प स स स स स स स नि रे स ग म रे स नि ध म प ग म ध नि सा प प स स स स
सा 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 नी रे सा ग म रे सा नी ध म प ग म ध नी सा अभी आपने सुनी राग हमीर की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है जलधारा से सीखो आगे। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अभी आपने सुनी राग हमीर की स्वर मालिका। साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बर से राग विभास। राग विभास की उत्पत्ति भैरव ठाट से हुई है। इस राग में ऋषभ और धैवत यानी रे और ध ये दोनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मध्यम और निषाद अर्थात म और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं, अर्थात ये दोनों स्वर इस राग में प्रयोग नहीं किए जाते और अवरोह में पांच स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इसका वादी स्वर धैवत यानी ध है और संवादी स्वर ऋषभ यानी रे है। इस राग का गायन समय प्रातःकाल है। राग विभास के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। गा पा धा सा।
और अब अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। अब प्रस्तुत है राग विभास की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। ग प प ध प प ग प ग रे सा ग प प ध प प ग प ग रे सा 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 रे रे सा प प प ध सा ध प सा सा रे रे सा प प प ध सा ध प ग प प ध प प ग प ग रे सा ग प प ध प प ग। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग प प ध ध ध सा सा रे सा ग प प ध ध ध सा सा रे सा प ध सा सा रे सा सा ध प ग प ग रे सा प ध सा सा पा पा ग पा पा ग पा पा ग।